हम अपने जिस प्यार को अपने खून से सींचते हैं, बड़े होने का इंतजार करते हैं, वही प्यार जब हमसे दूर चला जाता है, दिल से हट सा जाता है। अपने प्यार के बचपन की एक एक मुस्कुराहट पर माँ बाप अपनी जान निछावर कर देते हैं। हमारा जीवन इंद्रधनुषी छटा के साथ गतिशील होता रहता है। हमारे प्यार का बीज हमारी आंखों का तारा बन जाता है और हमारा अपना प्यार बन जाता है। वर्तमान में हम ऐसे परिवेश में जीते हैं जहां पैसों के बिना जीवन अधूरा होता है, जहां हर मोड़ पर संघर्ष ही संघर्ष है। हम निरंतर संघर्षों से लड़ते रहते हैं, यही संघर्ष हमें जीने को प्रेरित करते रहते हैं। जिंदगी चलाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें संघर्षों के आधार पर ही मंजिल पानी होती है। कभी कभी हम जिंदगी में संघर्ष पर संघर्ष करते भी हैं, योग्य होते हुए भी हमें वह मंजिल नहीं मिल पाती है जिसके हम हकदार होते हैं। आखिर में हम फल भगवान की इच्छा का दिया मानकर ग्रहण कर लेते हैं और कर्म पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। एक सच्ची कहानी को लेकर आया हूं जो भाग्य पर आधारित है। आप लाख कोशिश कर लें, परंतु आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य को मंजूर होगा। एक मध्यम परिवार में अभय का जन्म हुआ था। उसके पापा एक सरकारी कंपनी में मुलाजिम थे। घर परिवार अच्छी तरह चल रहा था। अभय जब 4 साल का हुआ था तभी उसके पापा की कंपनी बंद हो गई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु धीरे धीरे पूरे परिवार को अभावों ने घेर लिया था। जमा पूंजी भी धीरे धीरे ठिकाने लग रही थी। इसी कसम कश में परिवार पर आर्थिक दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा था। जिस घर में सदैव खुशियां निवास करती थी, वहां दुखों ने डेरा डाल लिया था। बच्चों का साथ था, जिंदगी चलाने को कुछ तो करना ही था। अभय के पापा ने एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया था, जिससे परिवार के आंसू कुछ हद तक पुछ गए थे। संघर्ष पर संघर्ष करा जा रहा था। इधर अभय भी बड़ा हो गया था, हाई स्कूल टॉप किया था। अभावों में रहकर उसने वो किया था जिसे हर माँ बाप को अभिलाषा होती है। हाई स्कूल टॉप करने के बाद उसने इंटर साइंस से किया था। उसका नंबर GTI में भी आ गया था। 3 वर्ष का कोर्स था। जैसे तैसे करके माँ बाप ने उसे भी पूरा करा दिया था। अभय शुरू से ही होनहार था। वह BTech करना चाहता था। BTech एक बड़ा कोर्स था जिसमें कई लाख का खर्चा था। बेटे की खुशी को मारा भी तो नहीं जा सकता था। इंटर करने के बाद अभय ने BTech का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। उसमें भी वह टॉप पर आया था और उसे मनमाफिक कॉलेज मिला था। 4 वर्ष का कोर्स था। वह जी जान लगा रहा था। GTI पास होने के कारण उसका BTech 3 वर्षों में पूरा हो गया था। उसकी हर इच्छा को माँ बाप पूरा कर रहे थे। अभय उनका इकलौता बच्चा था। BTech पूरा करने के बाद उसने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। वह दिन रात तैयारी करता रहता था। बीच बीच में नौकरी के लिए पूरे भारत में इम्तिहान भी देता रहता था, किंतु जातिगत आरक्षण की आग में योग होते हुए भी हर बार झुलस जाता था। जातिगत आरक्षण के कारण उसका चयन नहीं हो पाता था। कितनी दुखद बात है, जातिगत आरक्षण ने देश की नींव तक हिला दी है। योग्य प्रतिभाएं इस जातिगत आरक्षण में रोज दम तोड़ रही हैं। वोट बैंक की गंदी नीति के कारण देश रोज न रोज अंदर से खाली हो रहा है। अयोग्य लोग सरकारी नौकरियों में जातिगत आरक्षण के कारण भ्रष्टाचार को दावत दे रहे हैं। उनके पास योग्य अनुभव भी नहीं है। प्रतिभाएं हर वर्ग में है, किंतु आरक्षण देकर उठाना ये उस प्रतिभा के साथ विश्वासघात है जिसका अच्छे अंक लाने के बावजूद चयन नहीं हो पाता है। उससे कम अंक लाने वाले का चयन हो जाता है। मानवता को दरकिनार रख कितनी शर्मसार करने वाली बात है। आरक्षण की बैसाखी से कुछ दूर तक तो जाया जा सकता है,
किंतु लंबी दूरी तय करने में बैसाखी टूट जाती है। जब योग्य लोग सरकारी नौकरियों में आएंगे तभी समाज एवं देश का विकास होगा, न कि जातिगत आरक्षण से। अब है तैयारी पर तैयारी कर रहा था, वक्त का पहिया सर पर दौड़ रहा था। प्रतिभा के बल पर उसे एक सरकारी कारखाने में नौकरी मिल गई थी। बीटेक उसने मैकेनिकल से किया था जो अब उसके काम आ गया था। उस कंपनी में उससे शिफ्टों में कार्य करना होता था, परंतु उसकी शिक्षा के अनुरूप उसे नौकरी नहीं मिली थी। वह नौकरी अनमने मन से कर रहा था, घर से बहुत दूर आ चुका था। उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती रहती थी। नजदीक होता तो जल्दी आ जाता, त्योहारों पर उससे वंचित रहना पड़ता था। मन मार कर कार्य करता रहता था। छुट्टियों की बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ। प्लांट में वह इंचार्ज था, जिम्मेदारी भी बहुत थी। इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना भी सरल कार्य नहीं था। प्लांट में आए दिन हादसे भी होते रहते थे, जिस कारण वह परेशान हो उठता था। उसे मैनेजमेंट के सामने रोज ही तर्क वितर्क से रूबरू होना पड़ता था। वह एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, किंतु उसकी जिंदगी एक मशीन बनकर रह गई थी। उसी मशीन को लिए हुए वह वक्त को धकेल रहा था। जब टाइम मिलता था कंपटीशन की तैयारी में लग जाता था। उसकी मंजिल उसका और कहीं इंतजार कर रही थी। इस आशा में वह आगे बढ़ रहा था। उसकी दिनचर्या मशीनों के शोर में ही बीत जाती थी। कमरे पर जाता था तब भी वही शोर उसकी कानों में सुनाई देता रहता था। कंपटीशन का पेपर देने में उसे कंपनी से बहुत ही मुश्किल से छुट्टी मिल पाती थी, जिससे उसका मनोबल कभी कभी गिरने लगता था। बहुत मुश्किल से वह अपने को संभालता था। घर की उसे हमेशा याद आती रहती थी। मजबूरियों की बेड़ियों ने उसे जकड़ रखा था। एक तरफ घर था तो दूसरी तरफ उसका भविष्य था। हम यत्न प्रयत्न करते रहते हैं अपने भावी जीवन के लिए। अगले पल क्या होने वाला होता है हम सोच भी नहीं पाते हैं। अभय अपने अच्छे जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। अपनी परेशानियों को वह मम्मी पापा से शेयर नहीं करता था, वक्त से स्वयं ही जूझता रहता था। जूझने का हौसला उसे अपने मम्मी पापा से विरासत में मिला था। उससे बात न होने पर मम्मी पापा बेचैन रहते थे। जिस औलाद की एक आवाज़ को सुनने के लिए उनके कान तरसते थे, वह आवाज़ उनसे बहुत दूर चली गई थी। कभी कभी दोनों एकांत में रो लेते थे। कुछ देर बाद प्रभु की इच्छा मानकर कुछ देर बाद सामान हो जाते थे। उधर चीन में कोरोना वायरस ने कहर मचाना शुरू कर दिया था। वुहान से छूटा ये वायरस भारत में दस्तक दे चुका था, जिसके कारण लाखों लोग काल के गाल में समा गए थे। सारे देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा लिया था। स्कूल कॉलेज, सरकारी दफ्तर, फैक्ट्रियां, होटल सब बंद कर दिए गए थे। बची खुची कसर रेलवे, बस, हवाई जहाजों ने पूरी कर दी थी। जो जहां था वहीं का रह गया था। हर ओर मौत का मातम हो रहा था। जिस इलाके में कोई इस वायरस से संक्रमित होता था, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था। कोरोना महामारी के रूप में पूरी दुनिया में पैर पसार चुका था। हर चीज बंद होकर रह गई थी। खाने पीने का संकट बढ़ता जा रहा था। रिश्ते भी तार तार हो गए थे। इन हालातों को देखकर अभय के मम्मी पापा बहुत ज्यादा बेचैन थे। अभय उनका इकलौता बेटा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। चारों तरफ मौत का खौफ था। अपनी बात किससे कहें, कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अफरा तफरी का माहौल था। अभय का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कैसे उसका संदेश मिले, मम्मी पापा बहुत परेशान थे। दो तीन दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। बेटे को लेकर बुरे बुरे विचार उनके मन में आ रहे थे। एक दिन दोनों मायूस लेटे हुए थे, तभी फोन की घंटी घनघना गई थी। फोन की स्क्रीन पर बेटे का नाम आ रहा था। उन्होंने तुरंत दौड़कर फोन को उठा लिया था। दूसरी तरफ उनका बेटा अभय बोल रहा था, बता रहा था कि
उसका फोन खराब हो गया था, लॉकडाउन के कारण संभल नहीं पाया है। इस कारण दोस्त के फोन में अपनी सिम डालकर बात कर रहा है। इस आवाज को सुनने के लिए माँ बाप कितने बेचैन थे। उनकी दशा का अंदाजा उनके आंखों से बहते हुए आंसुओं से लगाया जा सकता था। खाना न मिल पाने के कारण हजारों किलोमीटर के पदयात्रा लोगों ने की थी, कईयों ने जान भी अपनी खो दी थी, किंतु अभय के ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही थी। इसी लॉकडाउन में उसे सरकारी नौकरी मिली थी। कहते हैं ना, संस्कार जब अच्छे होते हैं ईश्वर मार्ग बना देता है। संस्कारी बच्चों पर माँ बाप की आशीष सदा ही फलती फूलती रहती है। अभय के मम्मी पापा ने जो संस्कार हौसला उसे दिया, उससे अभय का जीवन ही बदल गया था। हौसलों की संजीवनी से ही उसने पहली नौकरी अपने बलबूते पर पाई थी। दूसरी सरकारी नौकरी भी उसने जातिगत आरक्षण किनारे कर अपनी प्रतिभा के बल पर पाई थी। जीवन में कभी कभी बहुत बुरा दौर आता है, जिसे संस्कारों एवं हौसलों से जीता जा सकता है। संस्कार वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हर बाधा पार की जा सकती है, हर उस मंजिल को पा सकते हैं जो दिवा स्वप्न होती है। विषम से विषम परिस्थितियों पर हौसलों से विजय पाई जा सकती है, बशर्ते हम सच्चे हों, मानवीय मूल्यों को समझते हों। अभय ने कई नौकरियां छोड़ दी थी, उसकी मंजिल वो नहीं थी। अंत में उसे मनपसंद नौकरी मिली थी जो उसकी शिक्षा के अनुरूप थी। बुरे दौर को उसने अपनी हिम्मत और लगन से पार किया था। जो माँ बाप अपनी औलादों को सीने से अलग होने ही नहीं देते हैं, वह औलादें आगे जाकर कुछ नहीं कर पाती हैं। पूरी जिंदगी वह भटकती रहती हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है। औलादें सबको प्यारी होती हैं, उनके भविष्य को बनाने के लिए कठोर से कठोर निर्णय लेने होते हैं। अपने आंसुओं को पीना पड़ता है, तब औलाद का भविष्य बन पाता है।